अंकिता हत्याकांड के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि ऐसे होटल, रिजॉर्ट और होम स्टे पर सख्त कार्यवाही की जाए जो अवैध रूप से संचालित हो रही हैं। इसी क्रम में आज उप जिलाधिकारी नरेश चंद्र दुर्गापाल के नेतृत्व में मसूरी के कई होटल, होम स्टे और रिजॉर्ट के दस्तावेज खंगाले गए हैं। साथ ही जहां पर अनियमितताएं पाई गई हैं उन पर कार्यवाही भी की गई है। इस क्रम में आज एक अवैध निर्माण को सील किया गया, साथ ही एक होटल को भी सील किया गया है। साथ ही फूड लाइसेंस न होने के चलते दो होटलों का भी चालान किया गया। इस मौके पर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, पर्यटन विभाग, राजस्व नगर पालिका परिषद, मसूरी सिंचाई विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर उप जिलाधिकारी रमेश चंद्र दुर्गापाल ने बताया कि उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश पर मसूरी की होटल, रिजॉर्ट, होमस्टे, स्पा आदि की सघन जांच की जा रही है और जहां भी अनियमितताएं पाई जा रही हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। जी हाँ, मसूरी और उसके आसपास के क्षेत्र में जो होटल हैं, रिजॉर्ट्स हैं, होमस्टे हैं, स्पा हैं, इन सब की सघन जांच की जा रही है और एक टास्क फोर्स बनी है जो डिफरेंट डिपार्टमेंट की है, जिसमें MDDA भी है, पुलिस भी है, रेवेन्यू भी है, सिंचाई भी है, नगर पालिका है और हमारा पर्यटन विभाग है। तो उसके क्रम में पिछले दिनों भी अभियान चलाया था, उसमें 7-8 पर कार्रवाई हो चुकी है। आज भी अभियान कंटिन्यू चल रहा है। अभी देख रहे हैं कि जिन होटल, रिजॉर्ट्स ने यहाँ संचालन शुरू कर दिया लेकिन अपने आप को पंजीकृत नहीं कराया है तो उनको, क्योंकि इसमें जुर्माने का भी प्रोविजन्स है, उनको समय भी दिया जा रहा है कि अपना पंजीकरण तत्काल कराएं। और जिनमें कुछ अलग प्रकार की अनियमितताएं पाई गई हैं, जैसे अवैध निर्माण किया है या वो किया है, तो उसके उस हिस्से को हमने सील भी किया है। आज भी हमने कुछ रिजॉर्ट के 2-3 जो ब्लॉक्स हैं वो सील किए हुए हैं। ये कार्रवाई भी चल रही है।